हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आवर किचन। जैसा कि आपने देखा और सुना होगा कि आजकल इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है डलगोना कॉफ़ी। तो क्या है ये डलगोना कॉफ़ी और कैसे बनती है ये, चलिए देखते हैं। यहाँ हम इसे दो तरीके से बनाएंगे, एक मशीन की सहायता से और दूसरा बिना मशीन की सहायता से। सो फ्रेंड्स, इंजॉय द डलगोना कॉफ़ी ड्यूरिंग लॉकडाउन। डलगोना कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ एक बाउल में हम 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ ऐड करेंगे 3 चम्मच चीनी। नॉर्मली ये जो कॉफ़ी बनाई जाती है उसमें 2:2:2 का रेशो लिया जाता है, बट उससे ये कॉफ़ी स्ट्रांग बनती है और पीने में कड़वी लगेगी, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि चीनी आप 3 चम्मच ऐड करें। साथ ही साथ हम यहाँ ऐड करेंगे 2.5 स्पून गर्म पानी। तो यहाँ हमने 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर, 3 स्पून चीनी और 2.5 स्पून बॉइल वाटर लिया है। हमें इसे बीट करना है, तो बीट करने के लिए मैं यहाँ ये इलेक्ट्रिक बीटर ले रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते हैं या आप इसे स्पून से भी बीट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। हमें इसे कंटिन्यूसली तब तक बीट करना है जब तक कि एकदम फ्लफी ना हो जाए। बीट करते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कॉफ़ी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आजकल ये कॉफ़ी इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही है। जब मैंने इसे ट्राई किया था तो यकीन मानिए मुझे ये बहुत टेस्टी लगी थी और बनाने में भी बहुत आसान लगी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये ज़्यादा बनानी है, जैसे कि अगर आपको डबल बनानी है, तो सारी आप चीज़ें आप डबल कर सकते हैं। 4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 5 चम्मच पानी, गर्म पानी और 6 चम्मच चीनी, तो उसे ये डबल क्वान्टिटी में बन जाएगी। टोटल मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसे बीट करते हुए, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लफी है। लास्ट में इसे 1 से 2 मिनट के लिए और बीट करूंगी। तो आपने देखा कॉफ़ी बनाना कितना आसान है और पीने में भी ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये हमारी कॉफ़ी बीट हो चुकी है, चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने ये 3/4 कप दूध लिया है। दूध मैंने यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है। इसमें हम डालेंगे शुगर 1/2 स्पून। इसे अच्छे से मिला देंगे जिससे कि चीनी मेल्ट हो जाए। अब मैं यहाँ डालूँगी 2 आइस क्यूब्स। अगर आप दूध ठंडा ले रहे हैं तो आप आइस क्यूब्स ना डालें। मैंने ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया था इसलिए मैं ये 2 आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ हम ये बीट की हुई कॉफ़ी इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर डालेंगे और आप देख सकते हैं कॉफ़ी हमारी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब ये अच्छे से बीट हो रही थी। ये मैंने सारा कॉफ़ी इस पर डाल दिया है और चम्मच से इस तरह से घुमा देंगे जिससे कि दिखने में और अच्छी लगे। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे कॉफ़ी पाउडर। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। आप ग्लास को भी डेकोरेट कर सकते हैं चॉकलेट सिरप के साथ। और आप देख सकते हैं दूध और कॉफ़ी आपस में फ्लो मिक्स नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट बनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी डलगोना कॉफ़ी रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आपको इसे पीनी हो तो आप इसे स्पून से अच्छे से मिक्स करके फिर इसे पीजिए और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगेगी। यहाँ हम आगे देखेंगे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विस्कर ना हो तो आप स्पून से कैसे डलगोना कॉफ़ी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं बाउल में 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर डाल दूँगी। साथ ही साथ डालेंगे हम 3 स्पून शुगर। आप चाहे तो इसे 2:2:2 रेशो में भी बना सकते हैं, बट जब मैंने उस रेशो में बनाई थी तो मुझे ये थोड़ी कड़वी लगी थी, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि चीनी आप 3 चम्मच ऐड करें। साथ ही साथ 2.5 स्पून गर्म पानी। आपको स्पून का ध्यान रखना है, जिस स्पून से आप कॉफ़ी पाउडर ले रहे हैं उसी स्पून से आपको चीनी और पानी डालना है, और इसी स्पून से हम इसे लगातार चलाते हुए बीट करेंगे। और आप देखेंगे कि चम्मच की सहायता से भी हम कैसे डलगोना कॉफ़ी बना सकते हैं। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। कॉफ़ी तो चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसको चलाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये फ्लफी होती जा रही है।
10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये इस तरह से हो जाएगी। अभी इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग है, हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें इसे और बीट करना है। 12 से 13 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बीट करते हुए, आप देख सकते हैं ये कितनी फ्लफ़ी हो गई है। अभी लास्ट हम इसे 3 से 4 मिनट और बीट करेंगे। तो आपने देखा कि चम्मच से भी कितनी आसानी से हम इसे बना सकते हैं। चम्मच से कंटिन्यूसली चलाते हुए मुझे इसे 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बीट हो चुकी है, गिराने पर ऐसे नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है। इसे हम साइड में कर देंगे और यहाँ मैंने ये एक ग्लास में 3/4 कप दूध लिया है, जिसमें मैंने 1/2 स्पून शुगर और 2 आइस क्यूब ऐड कर दी है। अब यह हम डालेंगे ये स्पून से बीट की हुई कॉफ़ी, ये इसके ऊपर डाल देंगे और आप देख सकते हैं ये फ्लोट कर रही है, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है। इस तरह से ये कॉफ़ी डाल के हम ऐसे घुमा देंगे जिससे कि दिखने में और अच्छी लगे। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी, आप चाहे तो यहाँ चॉकलेट सिरप या चोको चिप्स डाल के भी से गार्निश कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी स्पून से बीट की हुई डलगोना कॉफ़ी, जो कि एकदम परफेक्ट बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक